प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी का नाम है जलन। मोहन अपने गांव का सबसे छोटा किसान था। छोटा इसलिए नहीं कि उसके पास जमीन कम थी या पैसे कम थे या उसकी उम्र या ऊंचाई कम थी, बल्कि इसलिए कि उसका दिल बहुत छोटा था। और ये बात मोहन के अलावा पूरा गांव जानता था। मोहन को तो हमेशा यही लगता कि गांव के लोग उससे जलते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो खुश रहे। गांव में उसका कोई दोस्त भी नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोगों ने कोशिश नहीं की, लेकिन मोहन का दिल कोई मोह ना पाया। अब बात बढ़ते बिगड़ते यहां तक आ पहुंची कि कोई भी मोहन से बात ना करना चाहता। और मोहन ये समझता रहा कि देखो, अच्छे लोगों की तो कोई कद्र ही नहीं है। कलयुग आ गया है सब पर, कलयुग। जब मोहन स्कूल में था तो सभी बच्चे उससे अपनी बातें छुपाते, और छुपाते भी क्यों ना, जब दूसरे बच्चे पढ़ाई में खेल में मोहन से अच्छा करते थे तो उसे बिल्कुल भी अच्छा ना लगता, और वो कुछ ना कुछ ऐसी बात करता जिससे जीतने वाले को तकलीफ पहुंचे और उनकी जीत का मजा किरकिरा हो जाए। शुरू में तो सब मोहन को बच्चा समझकर छोड़ देते, मगर बड़े होने पर अपनी हर कही बात का हिसाब देना पड़ता है। बस यही कुछ मोहन के साथ अब हो रहा था। मोहन के पास एक खेत था जिसमें वो मौसम के हिसाब से सब्जियां लगाता था। फसल ठीक ठाक ही होती, कभी कभार अच्छी भी हो जाती, तो उसके व्यवहार की वजह से अच्छे दाम न मिल पाते। मोहन अकेला ही अपने खेत में काम करता और अक्सर सोचा करता कि कहीं से उसे एक बैल मिल जाए तो उसका काम आसान हो जाए, सारी गरीबी सारी परेशानी खत्म हो जाए। इसी उधेड़ बुन में एक दिन मोहन थका हारा घर लौट रहा था कि उसने कुछ लोगों से सुना कि पास वाले गांव में हिमालय से एक गुरुजी आ रहे हैं, उनके पास हर मुसीबत का हल होता है। मोहन ने भी गुरुजी से मिलने की ठानी और सवेरे ही सबसे पहले दूसरे गांव पहुंच गया। मोहन के इतनी सुबह सुबह आने पर गुरुजी ने जान लिया कि ये वाकई मुसीबत का मारा है, जो दिन निकलने का इंतजार भी ना कर सका, मुंह अंधेरे ही हमसे मिलने आ गया। गुरुजी ने मोहन से पूछा, क्या परेशानी है बेटा, तुम बहुत दुखी लग रहे हो। मोहन ने जवाब दिया, क्या बताऊं गुरुजी, मेरा कोई काम नहीं बनता, मेरा कोई दोस्त रिश्तेदार कोई मेरा साथ नहीं देता, सब मुझसे जलते हैं, इनका बस चले तो मेरा कोई काम ना होने दें। और वो कैसे, गुरुजी ने पूछा। मोहन बोला, अब देखिए गुरुजी, मेरे खेत में कुआं नहीं है, अगर ठीक ठाक बारिश नहीं होती तो पानी की दिक्कत होती है, लेकिन मेरा पड़ोसी गोपी अपने कुएं से पानी नहीं लेने देता मुझे। यही हाल बद्री का है और यही माधो का, सब मुझसे जलते हैं, कोई मेरा भला नहीं चाहता। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम कहो तो मैं अपने शिष्यों से कहकर तुम्हारे यहां एक कुआं खुदवा देता हूं, गुरुजी ने कहा। अरे नहीं नहीं गुरुजी, फिर तो हरिया को बैठे बिठाए पानी मिल जाएगा, उसका और मेरा खेत अगल बगल है ना, मोहन ने झट से गुरुजी को रोका। अच्छा तो तुम ही बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं, गुरुजी ने फिर पूछा। गुरुजी, अगर मुझे एक बैल मिल जाए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, आप मुझे सिर्फ एक बैल दे दीजिए, उससे मेरा काम आसान हो जाएगा, बैल सिर्फ मेरे ही पास खेत में काम करेगा और घर से खेत तक मैं आराम से बैलगाड़ी में बैठकर आया जाया करूंगा। लेकिन कुछ ऐसा कर दीजिएगा गुरुजी कि ये जो गांव वाले हैं ना, ये मुझसे जल ना पाए, मोहन हाथ जोड़कर बोला। अब तक गुरुजी भी समझ चुके थे कि कौन किससे जल रहा था। ठीक है मोहन, मैं तुम्हें एक बैल दे दूंगा, लेकिन मैं एक तपस्वी हूं और ये बैल
तुम मेरी शक्ति से पा रहे हो, ना कि अपनी मेहनत से। मेरे ऐसा करने से लोगों का मेहनत करके कुछ पाने से विश्वास उठ जाएगा और वो तुम्हारी ही तरह किसी पीर फकीर जोगी संत से बिना मेहनत चीजें पाना चाहेंगे। इसलिए तुम्हारे एक बैल के बदले मुझे तुम्हारे पड़ोसी रिश्तेदार या जिसे भी तुम चाहो उसे दो बैल देने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो जाए और किसी की कुछ भलाई भी हो जाए। गुरुजी की इस बात ने मोहन को सोच में डाल दिया। किसका नाम लूं? बद्री? वो तो बिल्कुल नहीं, उसके पास तो पहले से ही दो बैल हैं। दो और पा जाएगा तो ना जाने कितना अमीर हो जाए। तो क्या हरिया? नहीं नहीं, वो भी नहीं। पिछले साल ही तो उसने दो कमरे का इतना बड़ा घर बनवाया है, उसको दो बैल मिल गए तो उसके तो वारे न्यारे हो जाएंगे। अब क्या करूं? ऐसा करता हूं, रहने ही देता हूं। और मैं भी एक बैल को लेकर क्या क्या कर लूंगा? जिन्हें नीचा दिखाना चाहता हूं उन्हीं को आगे बढ़ाऊं तो क्या फायदा ऐसे वरदान का? छोटा सा तो खेत है मेरा, कर लूंगा काम अकेले ही। पानी का क्या है, वो मैं घर के कुएं से ही भर ले आऊंगा, अभी भी तो भरकर ला ही रहा हूं। और पैदल चलने से तो सेहत भी अच्छी रहती है। इतना लंबा चौड़ा विचार करके मोहन ने गुरुजी से कहा, गुरुजी आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन मुझे बैल नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? क्या तुम्हें कोई सूझ नहीं रहा जिसका भला तुम कर सको? गुरुजी ने पूछा। नहीं गुरुजी, कोई नहीं। जो मेरे आसपास हैं, वो तो सभी मुझसे बहुत ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं। अगर उन्हें एक और जोड़ी बैल मिल गया तो बस चुप हो जाओ, गुरुजी ने मोहन को छिड़कते हुए कहा। तुम जानते हो, तुम्हारे दुख की वजह धन की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे अंदर की जलन है, ईर्ष्या है, जिसकी वजह से तुम अपने आगे बढ़ने के सभी मौके गंवाते रहे हो। हर समय तुम्हारा ध्यान दूसरों की तरक्की, उनकी खुशहाली पर रहा, जिस वजह से अपना समय तुमने बर्बाद कर दिया। और पछताने या अपनी गलती सुधारने की जगह तुमने ईर्ष्या को मन में बिठा लिया। इसी वजह से आज जिस चीज की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, उसे भी तुम सिर्फ इसलिए नकार रहे हो कि उससे किसी दूसरे का कुछ भला ना हो जाए। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जलन सिर्फ उसी इंसान को होती है जिसका ध्यान अपने काम से ज्यादा दूसरों के आगे बढ़ने पर रहता है। अगर ईमानदारी से समय पर मेहनत करो तो उसका फल और भी मधुर हो जाता है। मोहन सिर झुकाए गुरुजी की बातें सुन रहा था। क्या आप कुछ नहीं हो सकता गुरुजी? ये पूछते वक्त मोहन की आंखों में आंसू थे। हो क्यों नहीं सकता, गुरुजी ने मोहन के सर पर हाथ रखकर कहा। तुम आज से ही अपने और अपने काम के प्रति ईमानदार हो जाओ और ये समझना छोड़ दो कि लोग तुमसे जलते हैं, क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे लोगों को जलना पड़े। और जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, उस दिन तुम्हें एहसास हो जाएगा कि जलन से फायदा किसी को हो या ना हो, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ खुद को ही होता है। तो देखा बच्चों, जलन किसी भी इंसान को कितना छोटा बना देती है कि वो दूसरों की खुशी में खुश नहीं हो सकता। भले ही सभी अपने उसके साथ हों, लेकिन उसका दिल और दिमाग हमेशा अकेला रह जाता है। अच्छा तो बच्चों, अब हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।